वेलकम बैक टू सपना स्मिकासा और आप सब तो कैसे हैं आई होप सब बढ़िया होंगे तो चलिए आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिंत्रा से लिया हुआ एक हैंड बैग जो मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है बिकॉज मिंत्रा पे अभी बहुत ज़्यादा सेल चली थी और आगे भी चलने वाली है फिफ्थ टू टेंथ अगस्त की तो यहाँ पर मैंने हैंड बैग की बात कर बात करते हैं तो एक ये मैंने बहुत ही लाइक एक यूज़फुल एंड थोड़ा सा ऐसे लिया है कि जैसे आप जर्नी में जाती हैं या ऑफिस गोइंग है या छोटे बेबी के साथ हैं ममा न्यू ममाज हैं तो उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा ऐसे एक ब्रांडेड और लाइक ईजी हैंडल बैग का तो मुझे ये बेहद पसंद आया इसका कलर मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा बिकॉज थोड़ा पिंक एंड पीच कलर में था और जो हम लेडीज़ का मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि बहुत ही फेवरेट कलर होता है आ, तो यहाँ रहा ये बैग बैचट का और बैगेट के ही बैजेट कहीं आप जो भी प्रनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है उसको अवॉइड करिएगा तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसके अंदर काफ़ी अच्छे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं सबसे बड़ी बात बोलूँ तो बैगेट का नाम ही आप अपने आप में काफ़ी है क्योंकि इसकी लेदर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है ईजी और हैंडी है और कैरी करना भी ईजी आप इसे शोल्डर में भी ले सकते हैं और आप इसे क्रॉस करके भी ले सकते हैं और इसमें कंपार्टमेंट्स काफ़ी हैं तीन चार कंपार्टमेंट दिए गए हैं जो कि इसको और भी अच्छा यूजफुल बना देते हैं सो चलिए मैं अब इसको अच्छे से फिल करके बताऊंगी कि ये लुक वाइज कैसा लगता है तो चलिए अब मैं आफ्टर फिल करने के बाद ये बैग कैसा लुक करता है और कितनी स्पेस रहता है पता, बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने आप बैग देख सकते हैं कि ये सेंटर वाली बैग पर था इसमें मैंने क्लचर भी लगा दिया हुआ है और एक कंपार्टमेंट में मैंने थोड़े छोटे छोटे पर्सेज रखे हैं कि इसमें आपको पता लग सके कि कितने पर्सेज आ सकते हैं पासबुक रखी है छोटी सी डायरी रखी है और यहाँ पर मैंने एक अपनी मेडिसिन की किट भी रखी हुई है जिसमें हर मेडिसन आ जाती हैं और उसकी साइड पर ही एक स्पर भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे भी रख सकते हैं और सेंटर वाली में भी आप जो भी चीज़ रखना चाहे वो रख सकते हैं और दूसरी साइड पर मैंने कुछ अपने पेपर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर ये लाइक इसका वेट अभी भी ज़्यादा नहीं लग रहा है बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी मैं इसमें और भी कुछ फिल कर दूँगी तब भी मेरा अभी ये काफ़ी स्पेशियस है आई मीन टू से इट इज़ वेरी स्पेशियस एंड यहाँ पर देखिए बैक साइड पर भी आपको एक ज़िप मिल जाती है जिस जिसपे भी आप काफ़ी बड़ी ज़िप है इस पर आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे जो मुझे सडनली चाहिए होती चीज़ें लाइक इसमें आपका फ़ोन भी आ जाएगा टिश्यूज़ भी आ जाएंगे वाइप्स भी आ जाएंगे और छोटी छोटी टॉफ़ीज़ या लाइक इसमें एक मैंने छोटे से टिश्यूज़ रखे हैं जो वो जो लिक्व करते हैं एकदम से बड़े हो जाते हैं मतलब हमें फ़ेस पैक चाहिए होता है फटाफट से जो भी क्लीन करने के लिए वैसे भी रखे हैं ड्राई एंड वेट टिश्यूज़ रखे हैं और ये बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें जैसे होती है सॉस रख ली कि सडनली उनको कुछ चाहिए हो खाने के लिए तो हम लगा के दे सकते हैं तो मतलब ऐसी मैं सिर्फ यहाँ पर ये यह बताने की कोशिश करूँ कि इनमें इस इसमें काफ़ी स्पेस है जो आप कुछ भी रखना चाहें ईज़िली रख सकते हैं तो यहाँ पर इनिशियल सब में दिया हुआ है बैगेट का और ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था ये बैग बहुत ही अच्छा लगा और तो इस बैग के कलर की बात कर ले तो ये कर्लिश लुक भी देता है और कोई भी ले सकता है आई मीन जैसे कोई भी ले सकता है ऐसे कोई भी गर्ल लेडी कोई भी ले सकती है चलिए अब इसके स्टेन को रिमूव करते हैं जो यहाँ पर लग चुका है क्योंकि मैं ट्रेवल पे गई थी तो होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं थोड़ा सा स्टेन किसी चीज़ का लग जाता है तो ये रिमूव करते हैं तो मैंने इसके लिए ले लिया यहाँ पर ये जो कारा का आपके रिमूवर्स आते हैं उसी से मैं इसको लाइक जो एकदम कंसनट्रेट होता है वो तो नहीं लेंगे हम ये मिक्स होता है इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स होता है सो देट कि इससे हमारा कलर भी ख़राब नहीं होगा और स्टेन भी रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको स्टेन भी रिमूव करके दिखा रही हूँ कि आप अपने बैग को इस तरीके से इसे साफ़ भी कर सकते हैं क्लीन भी कर सकते हैं उसमें शाइन भी आ जाएगी और बहुत ही अच्छा सा लगेगा बैग भी आपका बिल्कुल आप भी ख़राब नहीं होएगा और लाइक इसका कोई भी कलर फेड नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और इस तरह के अगर आप कोई अपना इसमें आ, यूज़ करना चाहें थिनर तो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल डायल्यूट दिल्क थिनर मत लीजिएगा बट जो आजकल ऐसे मिलते हैं जिसमें ऑयल मिक्स थिनर होते हैं उसको यूज़ करिए इससे आपके बैग में शाइन भी रहेगी और कोई भी स्टेन भी नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आफ्टर ड्राई होने के बाद बैग की लुक कैसी है बिल्कुल भी कहीं से भी इसका कलर फेड नहीं हुआ और बिल्कुल एसडिस है जैसा ये था और इससे और भी ज़्यादा ये क्लीन हो गया तो चलिए यहाँ पर वैसा जियाना भी है जो शरारत करती जा रही है बट आप देख सकते हैं बैग को बिल्कुल इसकी शाइन नहीं गई कुछ नहीं गया और बिल्कुल बढ़िया सा लुक दे रहा है तो आपको ये बैग कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो